हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फैसल और मेरे चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फैमिली के साथ थोड़ा बाहर जाना है और रात के टाइम यूजुअली मैं ब्लॉगिंग करता नहीं हूँ, लेकिन आज का इवेंट थोड़ा सा ऐसा है कि फैमिली के साथ घूमना है, बाहर पर जाके कुछ बारबेक्यू बनाने का प्लान व्लान है। तो देखते हैं कि यार वीडियो में कितना कर सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम वीडियो इतनी अच्छी बनती नहीं है। हमारा पहला स्टॉप है यहाँ पे। हम लोग ने खरीद के जो छोटी मोटी चीज़ें खरीदना, कोयला वगैरह, आइस वगैरह, पानी वगैरह ले लिया है। और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि तोल जाएंगे। तोल यहाँ से करीबन 140-150 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ का बेनिफिट ये है कि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब कुछ आपको सी साइड में सब क्लियर मिल जाता है। और अभोर में जो है, जहाँ पे हमें जाने का प्लान पहला था, वहाँ पे ये सब थोड़ा सा मुश्किल है। तो फाइनल हम लोग डिसाइड यही किया कि तवल जाएंगे अभी और जाके बारबेक्यू करेंगे। और क्या, अभी मुझे मेरे गाड़ी से लुक दिया जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं जाता हूँ उधर। तो भाई लोग, फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे लाइटनिंग इतना ख़राब नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है ये सब कुछ। हवा इतना तेज़ नहीं है, लेकिन ठंड बहुत थोड़ी बहुत है। इस लोकेशन का सबसे अच्छा यह है कि यहाँ पे आप लोग अगर पानी में उतरे उतरे तो नहाने का जगह है, वॉशरूम सब कुछ दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। अभी कोविड के टाइम स्पेशली वो लोग नहाने का इतना थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रखे, कुछ टाइम के बाद वो पानी में ना उतरने का। लेकिन ओवरऑल ये जगह आने के लिए बहुत बेस्ट है। ये जद्दा से लमसम 110 किलोमीटर मोर और लेस इतनी दूरी पे, स्पेशली हमारे घर से। और बहुत अच्छा है, यानी अच्छे खासे लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जगह है कि लोग एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस रखे खड़े हुए हैं। तो ये पीछे जो जगह है, यहाँ पे हम लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। और यहाँ पे अभी जिन लोगों को नीचे बैठना है बैठेंगे, कुर्सी उर्सी लाई है हम लोगों ने, बैठ के अभी बारबेक्यू पकाने का स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात है जो मुझे भी नहीं पता अभी तक कि ये अलाउ है कि नहीं, कि किसी एक टाइम ऐसा बोला गया था बाहर खाना वाना पकाना यानी कोई आग जलाना वो सब अलाउ नहीं करते थे। हाँ, लोकेशन पे तो नहीं एटलीस्ट। तो अब पता नहीं इस लोकेशन का क्या है, होपफुली कि अदरवाइज हमें भूखा घर जाना पड़ेगा। होपफुली ये लोग अलाउ करेंगे।
अभी ऑलमोस्ट रात के 11:30 बजे हुए और यहाँ पे लोग आ ही जा रहे हैं। और हम लोग अभी थोड़ा सा खाने से पहले वॉक करके थोड़ा पेट वेट खाली कर लें ताकि एकदम भरपूर खा सके। तो भाई लोग अभी रात के 3 बज रहे और हम लोगों का जाने का टाइम हो गया है। अभी हम लोगों को करीबन 1.5 घंटे लग जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते, तो ऑलमोस्ट 4:30 बज जाएंगे। तो अभी तक के लिए अभी इजाज़त चाहता हूँ। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आए प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।